सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट में हम देखते हैं कि नए चैंग कॉन्ग बाकी सभी लोगों को मैप दिखा रहा होता है और कह रहा होता है हम सभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे जहाँ पे एक गुफा है और ये ट्रिप हमारा डेस्टिनेशन है, जो कि सुनते हुए मोलो कह रहा होता है। अच्छा तो कल सुबह तक हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो कि सुनते हुए सू पिंग अपने रूम में कह रहा होता है मैं ड्रैगन किंग की विरासत के रियल में जा रहा हूँ और वास्तव में वहाँ पे एक सीक्रेट खजाना भी है। लेकिन इसके अलावा इस महाद्वीप में कई सारे खजाने होने चाहिए, लेकिन इस मैप में केवल उस स्थान पर ही क्यों अंकित है, आखिर उस स्थान पर क्या है। और सू पिंग नई चैंगकॉन्ग से पूछता है कैप्टन क्या यह नक्शा आपने खुद बनाया है, जो कि सुनते हुए नई चैंगकॉन्ग कह रहा होता है मुझे यह एक दोस्त से अच्छी कीमत पर मिला है। भाई तुमने ऐसा क्यों पूछा, तो ये सुनते हुए सू पिंग कह रहा होता है नहीं मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यह थोड़ा ज्यादा अजीब है, लेकिन इतने बड़े जगह में सिर्फ एक ही ये सीक्रेट खजाना कैसे हो सकता है, तो नई चैंगकॉन्ग कह रहा होता है हाँ लेकिन सीक्रेट रियल में खजाने हमेशा बहुत ही तेजी से अपीयर होते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, इसलिए इसमें से कुछ भी अजीब नहीं है। तो मोलो कह रहा होता है हाँ ब्रदर सू जब ये नक्शा बनाया गया था तो ये संभव है कि दूसरे खजाने पहले ही ले लिए गए हैं। तो सू पिंग अपने मन में कुछ सोचने लगता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी उसी गुफा की तरफ चले आते हैं, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए सू पिंग कह रहा होता है रुक जाओ अंदर मत जाओ, इस गुफा के अंदर एक नाइन्थ ऑर्डर का फियर्स बीस्ट है, जो कि सुनते हुए नई चैंगकॉन्ग कह रहा होता है ब्रदर सू हमने अभी तक एंटर नहीं किया है तो तुम कैसे जानते हो। ये सुनते हुए सू पिंग अपने आप में कह रहा होता है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही आ चुका हूँ, हालांकि ड्रैगन किंग टावर की हर मूवमेंट को याद रखने की हद तक नहीं, लेकिन कम से कम मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है। और सू पिंग नई चैंगकॉन्ग से कह रहा होता है क्या तुम अभी भी मेरे डार्क ड्रैगन डॉग के उस स्मेल पर भरोसा नहीं करते हो, तो नई चैंगकॉन्ग कह रहा होता है वास्तव में डार्क ड्रैगन डॉग को धन्यवाद देता हूँ, हम उन उड़ते हुए पाइथन के बारे में जानते हैं, ये वास्तव में एक बड़ी मदद थी। तो चैंग चैंग कह रहा होता है धिक्कार है ये फिर से नाइन्थ ऑर्डर का बीस्ट आखिर फिर से क्यों आ गया। तो अभी लुओग्विक्स कह रही होती है यहाँ तक कि ग्रीन फ्लाइंग पाइथन के झुंड जिन्होंने हम पर पहले हमला किया था उनके पास भी नाइन्थ ऑर्डर की कॉम्बैट एबिलिटी थी, लेकिन उन उड़ने वाले अधिकतर पाइथन के पास लगभग सातवे या फिर आठवे ऑर्डर की पावर थी। इसके अलावा ये जगह ये एक अनोन गुफा है और इसके अंदर एक नाइन्थ ऑर्डर का बीस्ट छुपा हुआ है, जो कि सुनते हुए चैनलोंग कह रहा होता है डिफिकल्टी लेवल ये वाकई में काफी ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ तक कि हमारे पास ब्रदर सू जैसा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्यों ना हो लेकिन फिर भी इसे आना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो नई चैंगकॉन्ग कह रहा होता है क्या होगा अगर हम इस बीस्ट को उसके गुफा के बाहर निकाल दे, तो ये सुनते हुए चैंगकॉन्ग खुश होते हुए कह रहा होता है हाँ ये वाकई में सही है, चलो इस गुफा के एंट्रेंस पर एक जाल बिछाते हैं, अगर हम उसे सरप्राइज देके ले जाए तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। और वो अपना पेट समन करने लगता है, जो कि देखते हुए मोलो भी अपने ड्रैगन राइजेस फ्रॉम अर्थ को समन करता है और अर्थ को एक टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप बिछा देता है। ये सब करते हुए देख लुओग्विक्सु भी अपने पेट को समन करते हुए उनकी मदद करती है और सभी के सभी अपने पेट के साथ साथ उस जाल को बिछा देते हैं। और चैंगकॉन्ग कह रहा होता है कैप्टन हम पहले ही घात करने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब हमें सिर्फ इंतजार करना है। तो ये सुनते हुए नई चैंगकॉन्ग कह रहा होता है मैं इंतजार नहीं करना चाहता, मैं अंदर जाऊंगा और उसे बाहर निकालूंगा। ये सुनते हुए चैंगकॉन्ग काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या आप उसे बाहर निकालोगे, लेकिन क्यों कैप्टन क्या आप पागल हो गए, ये बहुत ही जख्मी बड़ा है। तो नई चैंगकॉन्ग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है क्या तुम भूल गए मेरे पास नाइन्थ ऑर्डर का बीस्ट है, इसलिए तुम चिंता मत करो मैं इस चीज का लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ और मुझे यकीन नहीं है कि अंदर का वो बड़ा सा बीस्ट वो कब बाहर निकलेगा। लगभग सभी दूसरे पोइनियर को पहले ही ड्रैगन किंग के टावर को छोड़ देना चाहिए और उसी के साथ साथ लॉन्ग लिंग कॉन्टिनेंट में एंट्रेंस कर देना चाहिए। तो ये सुनते हुए चैंगकॉन्ग काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और कह रहा होता है लेकिन आप मेरी बात तो सुनो। तभी सू पिंग कह रहा होता है उसके बारे में चिंता मत करो मैं इसके साथ जाऊंगा, जो की देखते हुए नई चैंगकॉन्ग कह रहा होता है वेल ये काफी ज्यादा बेहतर होगा कि अगर मैं भाई सू के साथ जाऊंगा। और ये कहते ही दोनों ही उसके मेंटर करते हैं, जहाँ पे अंदर जाते हुए नई चैंगकॉन्ग कह रहा होता है ब्रदर सू इस गुफा में मियास्मा काफी ज्यादा मोटा हो रहा है, स्टेलर पावर इस पॉइजन के कॉन्टेक्ट में आने के लिए पूरी तरीके से पावरफुल नहीं है, तो शायद आपको मेरे लिए बाहर इंतजार करना होगा। इसके अलावा मैंने पहले ही श्योर कर लिया है कि आप सबसे पहले उस खजाने को चुनेंगे, इसलिए अपनी जान को जोखिम में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनते हुए सू पिंग कह रहा होता है चिंता मत करो मैं अपना वाटर आर्मर को पहन रहा हूँ, जिससे कि मुझे एट्थ ऑर्डर के नीचे के पॉइजन नुकसान नहीं पहुँचा सकते। हालांकि कैप्टन आप वही
रही है, जो कि तीनों में से चूज करने वाला सबसे पहला है। और उसके साथ अब आप सबसे खतरनाक काम करने की पहल कर रहे हैं। मैं जिन पॉइंटर को जानता हूँ वो इतने ज्यादा सेल्फलेस तो नहीं हो सकते। अब हम अकेले हैं तो आपके पास क्या मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है? जो कि सुनते हुए नई चांगकांग हंसने लगता है और उससे कह रहा होता है, मैं वास्तव में आपसे कुछ भी छुपा नहीं सकता। इस गुफा में स्टेलर पावर से इम्ब्यूटेड एक स्पिरिचुअल ट्री है और इस पेट का फल आठवें ऑर्डर से नीचे के पेट के मालिकों की पूरी एबिलिटी को स्टिमुलेट कर सकता है, जिससे उनका पुनर्जन्म हो सकता है और यह आपको अगले रियल में भी पहुंचा सकता है। यस, दुनिया में एक रेयर टीजर है जो कि मैं किसी भी हालत में इसे सबसे पहले पाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते हुए सू पिंग उससे कह रहा होता है, दूसरे शब्दों में कहे तो आपने पहले चुनने का मौका छोड़ दिया और एंटर करने के लिए अपने लाइफ को जोखिम में डाल दिया। क्या ये आपने सिर्फ इस स्पिरिट फ्रूट को पाने के लिए किया है? तो नई चैंगकांग कह रहा होता है, यह इस तरह है सू पिंग भाई, कुछ ऐसे सीक्रेट है जो कि मैं बता नहीं सकता। किसी भी तरह से मुझे फ्रूट चाहिए। और यह कहते हुए अपने पास्ट के बारे में याद करता है, जहाँ पे एक जो लेडी होती है वो हॉस्पिटल में लेटी हुई होती है और प्रेजेंट में नई चैंगकांग सू पिंग से कह रहा होता है, अगर तुम भी उस ट्री को चाहते हो, भले ही तुम चैन चैन और जिया होसु के हितोशी हो, लेकिन फिर भी मेरे रास्ते में आना मत। फिर सुनते हुए सू पिंग अपने मन में कह रहा होता है, तो तुम बस उस स्टार स्पिरिट फ्रूट को पाना चाहते हो? ये तो उसी फोर्स फील्ड की तरह सिमिलर है जो कि सिस्टर ने मुझे दिया था, एक प्रिटी ऑर्डिनरी ट्रीजर। लेकिन इसकी बातें सुनते हुए ऐसा लगता है कि ये इसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी तरफ मुझे देख कर लगता है कि नई चैंगकांग ये वास्तव में वो आदमी नहीं है, ये वास्तव में कुछ गलत करने की कोशिश नहीं कर रहा, लगता है मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। और सू पिंग नई चैंगकांग से कह रहा होता है, नई चैंगकांग मैं वास्तव में उस फ्रूट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह की रखवाली करने वाला वो भयंकर जानवर एक प्रकार का सुपीरियर नाइन्थ ऑर्डर सब ड्रैगन है और उसका नाम ब्लड ड्रैगन विद स्केल ऑफ फायर है। वो काफी ज्यादा एस्टिट्यूटिव है और उसके साथ साथ उसकी स्ट्रॉन्ग और मेंटल अटैक्स है, और अगर तुम उस पेड़ के खजाने के लिए सीधे जाते हो तो तुम मर भी सकते हो। ये सुनते हुए नई चैंगकांग थोड़ा सा हैरान होता है और उसे कह रहा होता है, क्या नाइन्थ लेवल के ऊपर का रैंक और उसके साथ साथ मेंटल अटैक, उसके बारे में तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तो सुबह कह रहा होता है, कैप्टन नी कुछ ऐसे सीक्रेट है जो कि मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, वैसे भी अगर आपको वो फल चाहिए तो प्लीज मुझे फॉलो करो। और सुपिंग एक पंच मारते हुए उस दीवार को तोड़ देता है और उसके सामने कुछ चीज होती है जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, आखिर ये चीज क्या है? क्या ये एक द लैम्प ऑफ द सोल है? ये स्टिल पावर का यूज करता है और अधिकतर मेंटल अटैक से हमारी रक्षा करता है, जो कि देखते हुए नई चैन काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, आपको कैसे पता चला कि ये एक सोल लैम्प जो कि यहाँ पे छिपा हुआ है? तो सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है, मैं इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रीजर है, सिर्फ ड्रैगन किंग के हायर्स ही इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को दूर नहीं किया जा सकता। और सुपिंग नई चैंगकांग से कह रहा होता है, ये भी एक सीक्रेट है, और ये कहते हुए वो उस चीज को उठाता है और कह रहा होता है, कम ऑन, इस लैम्प के साथ साथ हम उस ट्री को ढूंढ सकते हैं। और जैसे उस लैम्प को उठाता है वैसे वहाँ पे एक भूकंप सा आने लगता है जो कि देखते हुए दोनों ही आगे भागने लगते हैं। सुपिंग कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि बाहर से कुछ आ रहा है, तभी हम बाहर देखते हैं कि वहाँ पे वही ड्रैगन आ जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिससे कि बाकी सभी लोग लड़ने लगते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं, हम लोग एक खतरे में हैं। ये बीस्ट बाहर आ गया है और हम देखते हैं कि वो चारों के चारों उस बीस्ट के ऊपर होते हैं, जहाँ पे मोलो कह रहा होता है, बाहर में जाओ। और ये कहते हैं वो अपने अर्थ ड्रैगन से अटैक करवाता है, तो दूसरी तरफ चेनलॉन्ग भी अपने पेट से अटैक करवाता है, तो उन दोनों के पेट के अटैक उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि मोलो का पेट उस ड्रैगन का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ सुपिंग और उसके साथ साथ नई चैंगकांग दोनों ही बाहर आ रहे होते हैं, तभी सुपिंग कह रहा होता है, रुक जाओ। तभी उनके सामने वो चारों खड़े होते हैं, जहाँ पे मोलो कह रहा होता है, कैप्टन हम लोगों ने इसे खत्म कर दिया है। तो लुओ कह रही होती है, चलो आओ इधर आ जाओ। तो उनकी बात सुनते हुए सुपिंग काफी शक की निगाह से उन्हें देख रहा होता है और कह रहा होता है, डैम हम लोग तो काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं, जो कि सुनते हुए नई चैंग काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।